मित्रों आप सभी का देवप्रयाग आईएएस के यूपी स्पेशल मेंस की क्लास में स्वागत है। और हम लोग अपने मेंस की क्लास की शुरुआत किए हैं और इस क्लास की निरंतरता को बनाए रखते हुए आपके समक्ष ये क्लास उपस्थित हो रही है। आपने हमारी पिछली क्लास देखी जिसमें हमने प्रश्नों पर चर्चा किया था कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं विगत वर्षों में और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, ये दोनों बातें हमने आपको पिछले क्लास में चर्चा कर दिया था। आज हमारी इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश का राज्यपाल एक ओर राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, एक ओर जो है राज्य का केंद्र सरकार का एजेंट होता है, केंद्र सरकार के जो है एजेंट के रूप में राज्य में भूमिका का निर्वाह करता है, अर्थात उनके प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य कर रहा होता है। तो प्रतिनिधि एजेंट इन दोनों को हम देखेंगे किस रूप में, एक नकारात्मक अर्थों में, एक सकारात्मक अर्थों में। और यहीं पर हम लोग देखेंगे राज्यपाल की व्यवहारिक स्थिति देखेंगे। ठीक है, आते हैं, शुरुआत करते हैं राज्यपाल गवर्नर के की शुरुआत करते हैं। गवर्नर अपने आप में देखें तो भारत में, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जिस संसदीय शासन प्रणाली को संघ सरकार के स्तर पर अपनाया गया है, उसी संसदीय शासन प्रणाली को राज्य सरकार के स्तर पर भी अपनाया गया है। राज्य सरकार में भाग छः आप जानते हैं राज्य से संबंधित है, और राज्य छः में और भाग छः में राज्य से संबंधित जो पूरे प्रावधान हैं, इसीलिए भाग छः को क्या कहा जाता है, राज्य से संबंधित संविधान कहा जाता है। मतलब राज्यों का अपना संविधान क्या है, अगर हम बात करें एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से तो वो क्या है, भाग छः है। भाग छः में राज्यों से संबंधित समस्त प्रावधान है, अर्थात राज्य के शासन के बारे में, राज्य का, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका, राज्य के स्थानीय स्वशासन को अगर हम छोड़ दें तो ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसी की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल का पद है ये 1921 से प्रचलन में है। 1921 में जब गवर्नर स्टेटस की स्थिति लाई गई और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा परिवर्तन किया गया, उत्तर प्रदेश उस समय कोई ऐसा अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि उस समय आप जानते हैं संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हुआ करता था। तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध से इसका नाम बदल करके किया जाता है संयुक्त प्रांत, क्या जाता है संयुक्त प्रांत। ये संयुक्त प्रांत 1921 में क्या होता है कि जो राजधानी अब तक इलाहाबाद हुआ करती थी, उस राजधानी को इलाहाबाद से बदल करके 1921 में कर दिया जाता है, कहाँ, लखनऊ कर दिया जाता है। जैसे ही लखनऊ राजधानी का हस्तांतरण होता है, वैसे ही गवर्नर रूल शुरू हो जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में गवर्नर रूल की शुरुआत कब से होती है, 1921 से होती है। तो अर्थात भारत में प्रेसिडेंट का पद बाद में आता है, लेकिन गवर्नर का पद क्या होता है, पहले ही आ जाता है। आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद कब आता है, राष्ट्रपति का पद स्वतंत्रता के पश्चात आता है। ठीक है, 1950 में आता है, जबकि गवर्नर का पद 1921 में ही आ जाता है। तो इसलिए बड़ा पुराना है, बड़ा ही प्रतिष्ठापरक पद है। जब आप राजभवन की बात करते हैं तो राजभवन क्या है, राज्यपालों के निवास का स्थल है, और इस रूप में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों हम आते हैं, शुरुआत करते हैं सीधे। राज्यपाल अर्थात जो गवर्नर होता है, सबसे पहले तो एक चर्चा हम यहाँ पर कर लें कि उत्तर प्रदेश में जिस राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है, 1921 से ही ये पद क्या होता था, ये मनोनीत राज्यपाल हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान राज्यपालों को प्रांतों में मुखिया के रूप में स्थापित किया गया था, और ये क्या होते थे, ये जो क्राउन के द्वारा ये मनोनीत किए गए होते थे। अब आप सोचिए सीधे सीधे इनकी नियुक्ति कहाँ से होती थी, क्राउन के माध्यम से होती थी। तो इस तरीके से गवर्नर एक बड़ा ही सम्मानजनक पद होता था। ठीक है, तो अब देखिए ये पद का प्रचलन चलता रहा। जब हम संविधान का निर्माण करने लगे तो संविधान सभा में राज्यपाल के संबंध में कई विकल्प प्रस्तुत किए गए थे कि राज्यपाल की स्थिति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार का राज्यपाल होना चाहिए, क्योंकि राज्य का प्रमुख होगा तो केंद्र के साथ वो कैसे जुड़ा रहेगा। ये कई विकल्पों का विचार किया गया और इसके लिए उत्तरदायी किसको बनाया गया था, प्रांतीय समिति को बनाया गया था।
प्रांतीय समिति इस बारे में पूरा प्रावधान कर रही थी। तो अगर हम देखें तो उस समय दो विकल्प पर चर्चा हुई थी। एक विकल्प था आपके पास कि निर्वाचित राज्यपाल हो, लेकिन इस विकल्प को, निर्वाचित राज्यपाल के विकल्प को खारिज कर दिया गया। दरअसल यहाँ पर भी क्या था, गुटबंदी हो गई थी और उस गुटबंदी में निर्वाचित राज्यपाल का पद खारिज कर दिया गया, ठीक है। तो फिर मनोनीत राज्यपाल के पद को मान्यता दे दी गई। मनोनीत कैसे होगा, निर्वाचित राज्यपाल के पद को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि अगर राज्यपाल निर्वाचित होता तो सबसे बड़ी बात तो थी कि राज्यपाल अपने आप को क्या समझने लगता कि जनता ने हमें निर्वाचित करके भेजा है, इसलिए मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। ठीक यही बात किसकी होगी, होती मुख्यमंत्रियों की होती। मुख्यमंत्री भी यही कहते कि हाँ, हम, जनता ने हमें निर्वाचित करके भेजा है, जनता पर रूल करने का अधिकार हमारा है। तो दोनों ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री क्या करते, संघर्ष की स्थिति में आ जाते। और जो राजभवन था, जो संसद भवन, जो विधानसभा है, विधानसभा भवन और राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, ये सब क्या बन जाता, ये सब विवाद का अड्डा बन जाता, ये सब संकट को जन्म देता और आए दिन संकट की स्थितियां उत्पन्न होती रहती, ठीक है। इसलिए निर्वाचित राज्यपाल के पद को संविधान सभा में प्रांतीय समिति के सुझावों से इसे समाप्त कर दिया गया। इस विकल्प तो विचार ही नहीं करना है। फिर दूसरा विकल्प क्या बचा था, दूसरा विकल्प बचा था मनोनीत राज्यपाल का पद। तो मनोनीत राज्यपाल के पद पर विचार करते हुए कनाडा के मॉडल को इसमें अपनाया गया। हमने कनाडाई मॉडल को अपनाया। ये क्या था, ये कनाडाई मॉडल क्या था, कनाडाई मॉडल था कि गवर्नर जनरल के द्वारा राज्यपाल मनोनीत किया जाएगा और वो गवर्नर जनरल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये प्रावधान कहाँ पर है, ये प्रावधान है आपके कनाडा में है, ठीक है। इसी प्रोविज़न को सीधे लागू कर दिया गया, कहाँ, ले लिया गया कनाडा से, कनाडा मॉडल को। और यहाँ पर भी प्रावधान किया गया कि राज्यपाल क्या होगा, राज्यपाल मनोनीत किया जाएगा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। मनोनीत किए जाने के लिए केंद्र सरकार, आप जानते हैं केंद्र सरकार अधिकृत होगी, तो उसे जिस नाम को मनोनीत कर, यहाँ पर भी दो विचार बन गया था कि कैसे मनोनीत किया जाए। मनोनीत करने के लिए दो बातें यहाँ पर उत्पन्न होकर के आई थी कि मनोनीत करने के लिए राज्य का जो मुख्यमंत्री हो वो क्या करे, एक कमेटी बना दे और उस कमेटी, वही कमेटी क्या करे, इसकी रिकमेंडेशन करे, यहाँ से नाम भेजा जाए केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजे। राष्ट्रपति स्वतंत्र था कि वह उस नाम में से नियुक्त करता है कि नहीं करता है, लेकिन ऐसी पहल राज्यों के द्वारा की जानी चाहिए। देखा गया कि इसमें भी खामियां थी। सबसे बड़ी खामी क्या थी कि कल के दिन ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री जो है एक गठजोड़ बना लेते, गठबंधन बना लेते, तो राज्य के विरुद्ध, के संघ सरकार के विरुद्ध ये एकमत से होकर के विरोध कर सकते थे। इसलिए इस मत को खारिज कर दिया गया कि नहीं, ये अभी तो तुरंत खारिज कर दिया जाए, इस मत को खारिज कर दिया गया। दूसरा मत वही हमने बताया कनाडा मॉडल के आधार पर था कि उसमें कुछ नहीं करना था, उसमें केंद्र सरकार नामों की संस्तुति करे और राष्ट्रपति द्वारा उस नामों को जो है मनोनीत कर दिया जाए, अनुमति दे दिया जाए, और इस तरीके से वो जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करें, ठीक है। तो ये प्रसाद पर्यंतता अपने आप में क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है, ठीक है। राज्यपाल जो होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंतता का मतलब ये होता है कि जब तक उनकी इच्छा बनी रहे, जब तक उनका उनमें विश्वास बना रहे, तो जब तक विश्वास बना रहेगा तब तक वो क्या करेगा, इस रूप में बना रहेगा। लेकिन जैसे ही विश्वास हटता है वैसे राज्यपाल को क्या होता है, वहाँ से बुला लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस विकल्प को अपनाया गया। ये रहा, तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है, यहाँ पर एक प्रश्न आपका मेंस में बन सकता है। चलिए फिलहाल आते हैं, हम दूसरे विकल्प की बात करते हैं। दूसरा है आपका संवैधानिक स्थिति, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति।
अगर हम लोग देखें इसको, अब आप देखिए संवैधानिक स्थिति का मतलब ये हुआ कि भाग छः में आपको दिखाना होगा कि भाग छः में अगर आप इसको डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आप डायग्राम के माध्यम से आप इसको इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सदैव ध्यान रखना है आपको डायग्राम बेस्ड आंसर देना है, आपको कुछ रेखाचित्र और डायग्राम के माध्यम से क्या करना होगा उसको स्पष्ट कर देना होगा। अगर हम देखें राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है, सामान्य स्थिति में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की वही स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा हमें क्या करना है, जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो हर उत्तर के साथ, हर पॉइंट के साथ हम उत्तर प्रदेश जोड़ते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ऐसा होता है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल वैसा होता है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग करता है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग करता है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्यपाल राज्य विधानसभा के साथ इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से आपको लेकर के चलना होगा। अब देखिए सामान्य स्थिति में क्या है कि राज्यपाल क्या होता है, संविधान में हमने आपको बताया था भाग छः में। अब यहाँ पर आप आर्टिकल वाइज देंगे, आर्टिकल आर्टिकल 153 से लेकर के 161 तक आप देंगे, ठीक है। आर्टिकल 153 से 161 तक आपको देना है, अर्थात आपको यहाँ पर बताना होगा राज्यपाल जैसे आपका है आर्टिकल 153, राज्यपाल क्या होगा। देखिए अगर आप कहानी लिखेंगे तो आपको अंक नहीं मिलने वाला है, आप हर प्रश्न का उत्तर जब लिखें तो आप यहाँ पर आप उसके संवैधानिक संदर्भों को जरूर दे दें। आप संवैधानिक संदर्भ का मतलब है यहाँ पर आप आर्टिकल वाइज प्रयोग करें। अगर हो सकता है किसी पॉइंट पर आपको आर्टिकल ना याद आ रहा हो तो उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये प्रयास कीजिए कि अधिकतम विषय वस्तु में आपकी आर्टिकल झलकनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो अंक होगा वो बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, मूल्यांकन आपका अच्छा होगा। अब देखिए सामान्य स्थिति में आर्टिकल 153 में आप देखते हैं कि राज्यपाल क्या होता है, एक राज्य या एक से अधिक राज्य का हो सकता है, जब एक से अधिक राज्य का होता है तो वहां पर ये आप जानते हैं कि इसको 7th अमेंडमेंट में जोड़ दिया गया है, 7वें अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो राज्यपाल प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा, लेकिन विशेष स्थिति में क्या होगा, एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल वो बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 153 इस रूप में क्या हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा तो आपको रटना पड़ेगा ही अगर आप चाहते हैं कि राज्यपाल जैसे प्रश्नों पर आप अच्छा से पकड़ बनाएं और यहाँ से आप आंसर राइटिंग अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, तो ये आपका आर्टिकल वाइज आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। अब देखिए आर्टिकल 154 की हम बात करते हैं।
अब ऐसे ही आपको पूरा करना है, सारे आर्टिकल वाइज आपको देखना होगा। आर्टिकल 153, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, राज्य की जो कार्यपालक शक्ति होती है कहाँ नियुक्त होती है, वो राज्यपाल में निवेशित होती है। आपको ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे शब्दों का भी आपको प्रयोग करना है, आपके जो शब्द हों बड़े ही शानदार तरीके से, क्योंकि आपके मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे शब्दों का चयन करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप ये चाहते हैं कि आप जो है अपनी परीक्षाओं में आप अच्छा अंक प्राप्त करें मुख्य परीक्षाओं में, तो इसके लिए आपको अच्छे शब्दों का चयन करना पड़ेगा। अच्छे शब्दों का चयन करने के लिए आप समाचार पत्र पढ़ें, आप जो है कुछ पुस्तकें पढ़ें, उपन्यास वगैरह, एक स्तरीय उपन्यास को भी आप देख सकते हैं, साहित्यिक उपन्यास देख सकते हैं, उनको आप पढ़ें, तो वहाँ पर की जो लेखन शैली होती है वो गजब की होती है, व्याकरणीय त्रुटि नहीं होती है। तो आप इसको देखेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके दिमाग में चीज़ें आती होती जाएंगी, फिर बैठती जाएंगी। तो आप पूरा देख लेंगे, 100 हमने बताया आपको, 153 से लेकर 161 तक आप ये दिखा देंगे। हो सकता है पूरा ना दिखाएं, जितना हो सके उतना दिखाएं, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं शक्तियों की बात करते हैं। अब इन शक्तियों के लिए अगर हम देखें तो एक तरफ जो है संविधान इसका स्रोत है, और दूसरी ओर संसदीय परंपराएं इसके स्रोत हैं। ठीक है, राज्यपाल की शक्तियां और राज्यपाल के कार्य इन दोनों से संचालित होते हैं, संविधान से संचालित होते हैं और संसदीय परंपराओं से संचालित होते हैं। और इस रूप में अगर हम बात करें तो राज्यपाल के पास क्या है, एक असीमित शक्ति है, राज्यपाल के पास क्या है, असीमित शक्तियां हैं। इन असीमित शक्तियों के रूप में अगर हम देखें, अगर हम जानने का प्रयास करें, तो इन असीमित शक्तियों में ये जो असीमित शक्तियां हैं, इन असीमित शक्तियों को अगर हम देखें तो ये है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका शक्ति है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें, जैसे कि प्रश्न में शक्तियां और कार्य हैं, अब कार्यपालिका शक्ति है, अब कार्यपालिका शक्ति चूंकि इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, जो राज्य राज्य में जितने भी कार्यपालिका कार्य होते हैं वो सब किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, इस कार्यपालक शक्ति में राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री को भी हम देख लेंगे, इन दोनों के बीच विवाद क्यों होते हैं, इन विवादों को भी यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कार्यपालिका शक्ति में। और उत्तर प्रदेश में फिर इसमें क्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले 73 वर्षों में इसका मूल्यांकन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, 73 वर्षों का मूल्यांकन करेंगे। कार्यपालिका शक्ति की जब हम बात करते हैं तो कार्यपालिका शक्ति में इसमें सभी प्रकार की नियुक्तियां और पदोन्नतियां आ जाती हैं, इसमें आती हैं
नियुक्तियां आ जाती हैं। कौन कौन सी नियुक्तियां? दो प्रकार की होती हैं, नियुक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक नियुक्ति क्या होती है? संवैधानिक पदों पर नियुक्ति होती है, ठीक है, जैसे सीएम की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति, और विभिन्न प्रकार के संवैधानिक जो आयोग हैं, आयोगों का गठन, ये सब इसमें आ जाता है। इसी प्रकार से सांविधिक नियुक्तियां भी होती हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, साथ ही साथ सांविधिक पदों पर सांविधिक पद जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो नियुक्तियां की जाती हैं उसका संविधान में उल्लेख नहीं है, बल्कि वो संसदीय परंपराओं के आधार पर चलता है। क्योंकि ऐसे ढेर सारे आयोग हैं जो संवैधानिक ना होकर के संसदीय आयोग हैं। अब ये जो आयोग हैं ये सभी इसमें संवैधानिक आयोग आते हैं, जैसे संवैधानिक आयोग में आपका हो गया वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग हो गया, फिर आपका हो गया राज्य वित्त आयोग हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, बंद कर रहे हैं, ये जितने भी आयोग बने हुए हैं सांविधिक पदों पर होंगे आपके। राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य महिला आयोग हो गया, विश्वविद्यालयों में वीसी की नियुक्ति हो गई, बीसी की नियुक्ति। इस तरीके से आप अगर ना ज़्यादा लिखें, केवल आप एक डायग्राम बना दें, यही डायग्राम क्या होंगे, यही डायग्राम आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अब थोड़ा सा डायग्राम में जैसे आप सीएम की नियुक्ति है तो आप इनको संविधान में दे दीजिए, जहाँ जहाँ पर इनकी है संविधान का थोड़ा सा कर देंगे तो ये और क्या हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। आपको अपने आंसर को क्या चटपटाना बनाना है, चटपटीला बन जाएगा, अर्थात सोने में सुहागा बन जाएगा। यहाँ पर आप सांविधिक पदों पर तो हमने बताया, जितने भी ऐसे पद हैं जैसे राज्य सूचना आयोग हो गया, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो इस तरीके से फिर इनको अगर हम करें, पिछले उत्तर प्रदेश में इनका मूल्यांकन करें, पिछले 73 वर्षों में इसका मूल्यांकन करें, तो आप देखेंगे कि इन सभी प्रकार की नियुक्तियाँ क्या रही हैं, समय समय पर ये नियुक्तियाँ विवादित रही हैं। चाहे वीसी की नियुक्ति करने में हो, आपने देखा कि किस तरीके से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच, राज्यपाल मुख्यमंत्री जब नाम भेज देता है तो राज्यपाल उनसे सूचना मांगता है कि आपने जिन नामों को भेजा है उसमें करप्शन वाले कई नाम हैं, अर्थात इनको वापस ले लीजिए, तो क्या होता है, ये विवाद उत्पन्न हो जाता है। अखिलेश यादव की सरकार थी और उस समय यहाँ के जो राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, दोनों के बीच बड़ा विवाद देखा गया। तो समय समय पर पिछले 70 सालों में इस प्रकार के विवाद होते रहे हैं, लगातार होते रहे हैं। तो मित्रों हम लोग यहाँ पर इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका विश्लेषण करते हुए लेकर के चलेंगे और फिर इसको विवाद, इसका 75 वर्षों का मूल्यांकन करेंगे और फिर इसमें कमियां निकालेंगे और इसमें सुझाव भी देंगे।
इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ये आंसर आपका बड़ा ही शानदार आंसर हो गया। बस केवल आपको डायग्राम बना देना है, डायग्राम बना करके आप इस आंसर को शानदार बना सकते हैं, अपने आप में क्या हो जाएगा, विशिष्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने आज केवल चर्चा की है राज्यपाल की एक शक्ति पर चर्चा की है, और वो है आपके राज्यपाल की कार्यपालक शक्ति, जिसमें ये नियुक्तियाँ करता है साथ ही साथ पदमुक्ति भी करता है, पदमुक्ति भी करता है। जिन जिन पदों को नियुक्त करता है उतने पदों पर क्या करता है, उनका सबका त्यागपत्र भी प्राप्त करता है, उन्हें पद से हटा भी सकता है। ठीक है, केवल एक को छोड़ करके, और वो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और चेयरमैन, उनको छोड़ करके बाकी इन सारे पदों पर ये नियुक्तियाँ करता है और उन्हें उनके पद से हटा सकता है। तो मित्रों ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विगत 75 वर्षों में उत्तर प्रदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्यों का अवलोकन करना है, उसकी हमें आपको सीरीज वाइज क्या करना है, उन घटनाक्रमों का उल्लेख कर देना है, पॉइंट वाइज कर देंगे, तो इस तरीके से आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा ही शानदार हो जाएगा। तो इसी क्रम में हमारे ये आंसर लेखन और ये हमारी रेगुलर क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आपको रजिस्ट्रेशन करा करके और आप एडमिशन लेकर के DPIS यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको देखते रहेंगे, साथ ही साथ आप देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन अब इसमें विलम्ब मत कीजिए, यूपी स्पेशल की क्लास से आप तत्काल जुड़िए, ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी, आपके लिए ये गेम चेंजर सिद्ध होगी। मित्रों देखोगे सबसे विशेष क्लास, विशिष्ट क्लास आपको मिलेगी, सबसे स्पेसिफिक क्लास आपको मिलेगी। तो आप आइए उत्तर प्रदेश स्पेशल की इस एग्जीक्यूटिव क्लास के साथ, स्पेशल क्लास के साथ जुड़ करके और आप बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देवप्रयागम IAS से जुड़ने के लिए।